अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए रिद्धिमा मुंबई नहीं पहुंच पाई। जी हाँ, आज सुबह जो है उनके पिता का निधन हुआ और तभी से जो है वो चार्टर्ड में आने के लिए परमिशन मांग रही थी, लेकिन उन्हें बाय रोड आने की परमिशन मिली और 5 लोगों को परमिशन मिली है। हालांकि वो निकल चुकी हैं, लेकिन उन्हें आने में समय लग जाएगा। ऐसे में इस मुश्किल घड़ी में वो अपने परिवार के पास नहीं है, अपने पिता को अंतिम समय में नहीं देख पाई। उनका दर्द जो है उन्होंने जो सोशल मीडिया पर लिखा है उससे साफ जाहिर होता है। एक तस्वीर शेयर की है उन्होंने अपने बचपन की ऋषि जी के साथ और ऊपर टूटा हुआ दिल है। जाहिर है वो कहना चाहती है कि आपके बाद ये दिल टूट चुका है जाने के बाद। फिर अपने मम्मी पापा के साथ इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखती हैं, विश आई कुड बी देयर टू से गुड बाय टू यू पापा, काश मैं उधर होती आपको अलविदा कह पाती, बाय कह पाती, गुड बाय कह पाती। आई मिस यू ऑलरेडी, कम बैक पापा। वो कह रही है कि मैं आपको तो मिस करने लग गई हूँ अभी से, आप प्लीज़ वापस आ जाइए। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले उन्होंने एक पोस्ट भी डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी फेस टाइम से रोज़ बात होती थी, मैं काश वहाँ होती, आपके पास होती, आपको गुड बाय कह पाती। मुझे लगता है जो रिद्धिमा का दर्द है इस समय, बहुत सारे लोग जो है समझ सकते हैं कि एक बेटी जो अपने पिता के इतने करीब है और ऐसे समय में अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं पहुँच पाई। वो निकल चुकी हैं दिल्ली से और उनको जो है मुंबई आने में 1400 किलोमीटर है, लगभग 17 से 18 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जो है ऋषि जी का जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया है। ऐसे में वो बहुत ही बिखर चुकी होंगी, अपने परिवार से दूर है, वो चाहती हैं कि वो अपनी माँ और भाई के पास आकर खड़ी रहे। और ऐसे मुश्किल समय में हम लोग भी जो है फिल्म विंडो की तरफ से, मैं भी कपूर खानदान से सिर्फ यही कहूँगी कि आप लोग मजबूती से इस सिचुएशन का सामना कीजिए। हम सभी लोगों का प्यार आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा।